ग्रेट गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, मैं सुमित कुमार सिंह, आप तमाम यूपीएससी एस्पिरेंट्स या अन्य कोई कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस मगधपुत्र ट्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे रिया डाबी, जो कि ऑल इंडिया इनका रैंक 15 आया है यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन में, तो ये टॉपर रहे हैं आईएएस एग्जाम का। और इनकी पूरी की पूरी डिटेल स्ट्रैटेजी, इनके ऑप्शनल सब्जेक्ट, इनके फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, और एट द एंड ऑफ द वीडियो हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर यह न्यू अपकमिंग यूपीएससी एस्पिरेंट्स को क्या टिप्स और ट्रिक्स देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, ताकि वो अपने प्रिपरेशन को इनसे मोटिवेट होके अच्छे तरीके से कर सके। तो रिया डाबी AIR 15, इनका 15वां पोजीशन आया। इनके बारे में ये बहुत लोग और जानते हैं कि जो एक टीना डाबी हुए हैं उनका जो है फर्स्ट रैंक आया था 2015 में। तो सी इज अ सिस्टर ऑफ टीना डाबी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। ठीक है, टीना डाबी की ये सिस्टर हैं, ये रही टीना डाबी, ये रही रिया डाबी। ठीक है, तो आईएएस टीना डाबी सिस्टर रिया डाबी क्लियर यूपीएससी सिविल सर्विसेज 2020 एग्जामिनेशन एंड ऑल्सो गॉट रैंक 15। तो ये देखिए इनका 15वां पोजीशन आया। ठीक है, नाउ फैमिली बैकग्राउंड। फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो सभी को मालूम है, इनके मदर भी वन ऑफ द कह सकते हैं एक एजुकेटेड फैमिली बैकग्राउंड से ये आते हैं। इनके फादर्स जो है भी वर्किंग प्रोफेशन में है, और इनकी मदर भी थी जो कि VRS लेके जो है एक कह सकते हैं कि एक डॉक्टर और सॉन के एजुकेशन के लिए या उनके कैरियर के लिए, उनके फ्यूचर के लिए इन्होंने VRS लिया। और फिर इनके एजुकेशन पे इनके कह सकते ना कि एक अच्छी तरीके से उन्हें पढ़ाने लिखाने मोटिवेट या गाइडलाइंस, डेडिकेशन, डिवोशन, और कह सकते हैं कि अपने चाइल्ड के कैरियर के लिए इन्होंने जो है रिजाइन दिए, और अपने चाइल्ड के फ्यूचर्स, ब्राइट फ्यूचर के लिए अपना बहुत ही कह सकते हैं कि इनकी मॉम ने जो है बहुत ही मेहनत की है। ठीक है, आगे है एजुकेशन की बात करूँ तो ये सीज ग्रेजुएट फ्रॉम द लेडी श्री राम कॉलेज। ठीक है, दोनों वन लेडी श्री राम कॉलेज से हैं की स्टूडेंट थी दिल्ली यूनिवर्सिटी की। हॉबी की बात करूँ तो ये अपनी सिस्टर की तरह यह भी मिथिला और मैथिली या फिर मधुबनी पेंटिंग ये जो करती हैं। ठीक है, आगे हम लोग कुछ पेंटिंग्स भी देखेंगे। ऑप्शनल सब्जेक्ट की बोली तो इनकी सिस्टर की भी PSIR था, मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। इनका भी पॉलिटिकल साइंस है और इंटरनेशनल रिलेशन ऑप्शनल सब्जेक्ट था। अगर इनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी, मतलब आखिर इन्होंने अपनी तैयारी किस प्रकार से की, इनकी रणनीति क्या थी, यूपीएससी की कह सकते हैं एक प्रकार से जर्नी क्या थी, तो सी डिड नॉट स्टॉप रीडिंग न्यूज़पेपर। कहने का मतलब ये न्यूज़पेपर डेली पढ़ती थी और कभी भी न्यूज़पेपर्स को रीडिंग करने में कोई गैप नहीं लाती थी। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए फिर चलो सप्ताह में एक बार संडे को बैठ के पढ़ लेंगे, नहीं, डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर्स पढ़ना एंड टेकिंग अपडेट्स फॉर द प्रिपरेशन। अपडेट्स फॉर द प्रिपरेशन कहने का मतलब है कि यूपीएससी जो है अब करंट अफेयर्स बेस्ड जो है इसमें क्वेश्चंस अधिक पूछे जाते हैं, तो इसलिए अपनी प्रिपरेशन में हमेशा अप टू डेट रहना। एक तो स्टैटिक पोर्शन हम पढ़ते ही हैं, लेकिन अप टू डेट होना या अपडेट होना, क्या चीज़ से अपडेट होंगे, मतलब जैसे मोबाइल का एक ऐप का वर्जन अपडेट होता है, ठीक उसी प्रकार हम अपने नॉलेज को अपडेट करते रहेंगे, और वह होता है करेंट अफेयर और न्यूज़पेपर मैगजीन्स को पढ़ने से। तो ठीक उसी प्रकार यह भी अपना न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ती थी। आगे रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। रिविजन इज मोर, आगे कहते हैं कि रिविजन इज मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग बिकॉज द यूपीएससी सिलेबस इज वेरी वाइड एंड एवरी टॉपिक नीड्स टू बी काउट। यूपीएससी का सिलेबस जो है अपने आप में बहुत बड़ा है, इसके जो स्टैटिक पोर्शंस हैं या फिर जो करेंट अफेयर का नोट्स वगैरह बनाते हैं, इसके मल्टीपल डिविजन, इट इज वेरी यूजफुल अकॉर्डिंग टू हर इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। ठीक है, आगे है कितने घंटे पढ़ती थी, तो मिनिमम 8 to 10 hours ऑफ स्टडिंग डेली एंड विच कुड गो अप टू 12 to 13 hours, जो 12 से 13 घंटे तक जाता था। ठीक है, और की है मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी बिकॉज द एग्जाम रिक्वायर्स कंस्टेंट स्टडिंग डिसिप्लिन डेडिकेशन एंड पेशेंस। देखिए की जो था, की कह सकते ना कि पॉइंट ऑफ हिज सक्सेस इज मेंटेनिंग कंसिस्टेंसी, निरंतरता, मतलब निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर पढ़ते रहना, निरंतर रिवाइज करते रहना। ऐसा नहीं कि एक दिन पढ़ लिए दूसरे दिन नहीं पढ़े, एक दिन 12-14 घंटा पढ़ लिए दूसरे दिन चलो पार्टी कर दे, नहीं, आप इसमें कंसिस्टेंस वे में जो है कंसिस्टेंसी अपनाकर एक डिसिप्लिन के साथ, अनुशासन के साथ, डेडिकेशन के साथ, पूरे समर्पण भाव के साथ और पेशेंस, धैर्य के साथ इसकी तैयारी करते हैं, तब जाकर आप इसमें सफलता सुनिश्चित करते हैं। और यही इनके की पॉइंट्स थे, की स्ट्रैटेजी था यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी का। और आगे है दिस, ये कहते हैं कि दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट सो यू नीड टू सम स्ट्रेस बूस्टर। ऑब्वियसली सी बात है, यूपीएससी एग्जामिनेशन को मदर ऑफ द ऑल एग्जामिनेशन कहा गया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही कठिन परीक्षा है।
तो इस कठिनाई से उभरने के लिए, इस स्ट्रेस तनाव से चिंता से जो है थोड़ा कह सकते हैं अपने आप को रिलैक्स फील कराने के लिए कुछ स्ट्रेस बूस्टर होना चाहिए। जैसे ये जो है रीडिंग फिक्शन फिक्शन वगैरह या पढ़ा करती थी, और साथ साथ जो है लॉट ऑफ पेंटिंग 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 मतलब चित्रकला, जैसे कुछ एक मोर का है, एक गणपति बप्पा का है, तो ये मैथिली या मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग, बहुत ये अपनी सिस्टर की तरह मतलब ही पेंटिंग वगैरह में बहुत ही इनका हॉबी एक पेंटिंग करना, मतलब कह सकते ना कि जिससे ये रिलैक्स फील किया करती थी। तो इसमें रिलैक्स होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप 12 से 14 घंटा डेली पढ़ते हैं तो आपके मन मस्तिष्क पे तनाव होना स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और समटाइम स्ट्रेस इज अ गुड थिंग्स दैट यू फील वेरी स्ट्रेस, बट समटाइम इट्स वेरी गुड बिकॉज इट हेल्प यू टू मेक कंसिस्टेंसी। अगर स्ट्रेस रहेगा तभी आप कंसिस्टेंस फील करेंगे। अगर आपको रिलैक्स कर दिया, सपोज डैट कोई अगर जिम जाता है, कोई एक्सरसाइज करता है, अगर कोई वेट लिफ्टिंग करता है, तो वो मसल्स पे स्ट्रेस पड़ता है, फिर उसे रिलैक्सेशन मिलता है, तो फिर मसल्स हमारा बिल्डअप होता है। ठीक उसी प्रकार जब हमारे ऊपर कोई स्ट्रेस पड़ता है तो हम अधिक पढ़ाई करते हैं, फिर थोड़ा रिलैक्स करते हैं ताकि उसका रिटेंशन हमारे मन मस्तिष्क में बना रहे। तो मैंने ऐसी इसी तरह एक्सरसाइज और फिटनेस से रिलेटेड एक एग्जांपल दिया। तो टीना डावी के बारे में इनका कहना है कि टीना डावी और इनके जो एल्डर सिस्टर हुए, उन्होंने बहुत मदद की। स्वाभाविक सी बात है, कोई भी घर में अगर सीनियर होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, या फिर आपके सीनियर कोई स्कूल्स के होते हैं, तो वो अभी आपके प्रिपरेशन में हेल्प करते हैं। ठीक इसी प्रकार इनके तो फैमिली में ही मदर भी इनकी हेल्प कर रही थी, और इनके सिस्टर्स भी, इन्होंने जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं, टॉप कर चुके हैं, उन्होंने इनकी जो है प्रिपरेशन में बहुत हद तक मदद की। वो है जैसे गाइड करती थी कि बेसिक प्रिपरेशन, बेसिक फाउंडेशन कैसे कंप्लीट करना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस के लिए कौन से बुक्स प्रीफर करना चाहिए, किस प्रकार से न्यूज़पेपर्स को पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों का जो है यह हेल्प जो है इनकी बड़ी बहन से इन्हें मिला। आगे है मदर एज ए कॉन्स्टेंट सोर्स ऑफ इंस्पायरेशन। मैंने पहले ही बताया कि मदर जो है स्पेशली जो है वॉलेंटियरी रिटायरमेंट लिए ताकि अपने दोनों डॉटर्स पे जो है फोकस कर सके, उनके ब्राइट कैरियर और फ्यूचर्स में ध्यान दे सके, ठीक है। व्हाइल फादर वर्क्स एज भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, ठीक है, फादर इज वर्किंग प्रोफेशनल। सो ये रहा। और कैडर जो है यह अपनी सिस्टर जो है राजस्थान में ली, यह भी राजस्थान लेना चाहती। एंड स्टेट मतलब राजस्थान के बारे में कहती, स्टेट विच हैज लॉट ऑफ स्कोप फॉर द वर्क ऑन वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजुकेशन, हेल्थ एंड वुमेन, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा। जो एक कह सकते हैं कि एजुकेशन के सेक्टर में, हेल्थ के सेक्टर में, स्वास्थ्य के सेक्टर में, वुमेन्स के सेक्टर में, मतलब महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, सोशल एम्पावरमेंट के लिए, एंड एग्रीकल्चर कृषि के क्षेत्र में जहाँ एक लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स है राजस्थान में, लॉट ऑफ स्कोप भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, इन तमाम सेक्टर में, इन तमाम क्षेत्र में जो है या आगे चलकर जब किसी जिले के कलेक्टर या फिर IAS अधिकारी बनकर जाएंगे तो इसमें काम करना यह पसंद करेंगे और इनकी यह इच्छा है। कैडर राजस्थान। अंत में जो है मैसेज देना चाहती है तमाम UPSC एस्पेरेंट्स को, जो भी न्यू एस्पेरेंट्स है, कि आखिर आप अपनी तैयारी कैसे करें। इफ यू हैव द मोटिवेशन टू गिव दिस एग्जामिनेशन देन यू शुड गिव इट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आपके अंदर आंतरिक मोटिवेशन है इस एग्जामिनेशन को लेकर, तो यह एग्जामिनेशन आपको देना चाहिए। एंड बिलीव इन योरसेल्फ, सबसे पहले बड़ी बात है कि हर एक टॉपर्स को अगर आप देखोगे तो वो कहते हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखना सीखो। आत्मविश्वास सबसे बड़ी कुंजी है कोई सफलता को लेकर, ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ बिलीव इज द की टू सक्सेस। एंड पुट इन ऑल योर हार्ड वर्क, और कठिन से कठिन स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क आपको करना है विथ डेडिकेशन एंड डेडिकेशन, पूरे समर्पण भाव से। व्हेन यू मेक इट यू विल श्योरली बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, और जब आप इसे क्रैक कर लेंगे तो आप अपने आप में जो है ना कि गर्व की अनुभूति करेंगे। बी एबल टू वर्क फॉर द कंट्री एंड विल गिव यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। फिर आप अपने राष्ट्र के लिए योगदान देंगे, आप अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए कुछ कार्य करेंगे, और जो आप अपने आप में जब ऐसा कर पाने में सक्षम सिद्ध होंगे तो आप अपने अंदर जो है एक आत्मसंतुष्टि का बोध जागृत होगा। तो ये मैसेज है न्यू अपकमिंग एस्पेरेंट्स के लिए कि अगर इनर मोटिवेशन है तो आप इस एग्जामिनेशन को दें पूरे हार्डवर्क और डेडिकेशन के साथ, और सर्व योर कंट्री, आप अपने राष्ट्र की सेवा में समर्पण भाव के साथ तैयारी में जुटे, और फिर आने वाले लोगों के दुख दर्द और प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में एक अहम योगदान और रोल प्ले करें। सो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। कोई क्वेरीज, कोई कमेंट, कोई सजेशन, कोई एडवाइस आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।